सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान करके पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। उस सानिध्य का सहभाग हम सबको प्राप्त हो, इसका आयोजन पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रयागराज में इस आयोजन को करने जा रही है। विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होना है, पेवा में तो आप देख रहे हैं, और सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। हरियाणा की सरकार इस पवित्र सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य कर रही है, सरकार कार्य कर रही है, संतों की भी और भक्तों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पवित्र कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े। सरस्वती नदी फिर से पुनर्जीवित होकर के लहलहाती भी दिखाई देगी, बशर्ते आप सभी लोग मिलकर के एक सामूहिक प्रयास करें। इसके लिए जल की एक एक बूंद का संरक्षण करना, उसके संरक्षण के लिए उपाय करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रयास करना, जल की शुद्धि के लिए प्रयास करना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जोड़ना, देसी पद्धति को अपनाने का प्रयास करना, खेती भी प्राकृतिक खेती अगर आप कर सकेंगे, गौ आधारित खेती कर पाएंगे, तो यह भी इस नदी को पुनर्जीवन करने का एक उपाय होगा। भारत की नदी संस्कृति के प्रति हमारी कृतज्ञता होगी, भारत की पवित्र देवी स्वरूप इन नदियों के प्रति हम सब अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। और इसीलिए आज यहां पर मैं आपके बीच आया हूं कि एक तरफ हमें कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर पड़ा है कि यहां पर चार पीढ़ी से जो स्थान अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हो चुका था, उस स्थान को आज एक नया नेतृत्व से महंत शेरनाथ जी बापू के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। और आज ये पेवा का स्थान फिर से यहां पे गरीब सिद्ध शिरोमणि गरीब नाथ जी महाराज की साधना और सिद्धि के मूर्त रूप को जीवंत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अवसर पर मैं पेवा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि यहां पर आज फिर से पेवा की भावना के अनुरूप यह स्थान फिर से अपने पुरातन वैभव को पुनर्स्थापित कर रहा है। ये भंडारे का कार्यक्रम, ये संत समागम का कार्यक्रम, संत इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद दे, अपने आप ही वो तीर्थ हो जाता है, ये तीर्थ अपने आप बना हुआ है। विरासत के प्रति सम्मान का ही भाव है कि आज आप उत्तर प्रदेश के काशी में जाएंगे तो काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम आपको देखने को मिलेगा। पहले काशी में भगवान विश्वनाथ के धाम में 10 श्रद्धालु एक साथ एकत्र नहीं हो पाते थे, बहुत संकरी गली थी, और आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ वहां इकट्ठा हो सकता है, ये भव्य रूप आज वहां देखने को मिल रहा है। अयोध्या में आप आके देखेंगे, एक नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है, भव्य और दिव्य अयोध्या। भगवान राम 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो गए हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे, प्रयागराज एक बार फिर से नए स्वरूप में सज रहा है, 2019 का भव्य और दिव्य कुंभ तो आपने देखा होगा, और 2025 का महाकुंभ उससे भी विराट होगा, उससे भी भव्य और दिव्य होगा। ऐसे ही हरेक उस पवित्र स्थल को जो हम सबकी सनातन धर्म की विरासत से जुड़ा हुआ है, अवतारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, सिद्धों संतों की परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये डबल इंजन की सरकार उसका संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, क्योंकि विरासत का संरक्षण करके ही हम उज्जवल भविष्य की कामना को सार्थक कर पाएंगे और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है
तो विरासत और विकास, विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम भारत को दुनिया के सामने सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब यहां पर श्री महंत शेरनाथ जी महाराज के द्वारा ये भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में आए हुए अपने सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं यहां पर उपस्थित हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को पुनः विजयी होने के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। पूरे हरियाणा वासियों को, जिन्होंने इस सकारात्मक फैसले के साथ जुड़ करके हरियाणा को डबल इंजन सरकार का लाभ देने के लिए जो कार्य किया है, ये वास्तव में सनातन धर्म के उपदेश के अनुसार ही अभ्युदय के लिए आपके द्वारा उठाया गया कदम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार का ये लाभ हरियाणा को निरंतर प्राप्त होगा। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए हरियाणा वासियों को, आप सभी सुधी जनों को, पूज्य संतों को मैं दीपावली, धनतेरस और इसके साथ जुड़ने वाले सभी पर्व और त्योहारों की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे देता हूं विराम। जय जय श्री राम।